हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में सीखेंगे आज हम, और हमारे एक दोस्त है संदीप, जिन्होंने ये बात मुझसे पूछी है कि हम जब किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसको घटाने की कोशिश करते हैं, माइनस करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव भी आते हैं और कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव भी आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट, यहाँ पर मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ, ये येलो और यहां पर ये कलर देता हूं, तो ये देखिए ये दोनों रिजल्ट जो है नेगेटिव में है और बाकी ये दोनों रिजल्ट्स पॉजिटिव में है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो शो ही ना करें, जब भी हम इनको माइनस करें तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स शो ना करें, उनकी जगह कुछ प्रिंट ही ना हो, ऐसा हो जाए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, उसी की बात करेंगे। तो यहां देखिए मैं आपको एडिट मोड पे लेके, ये देखिए इसको मैं एडिट मोड पे लेता हूं, यहां F2 प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां इफ का फॉर्मूला हमने लगा दिया, और इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली लिखना है ये जो आपने सिलेक्शन किया है ना, उसमें लिखना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, कॉमा देंगे, अगर ऐसा हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो कॉमा, ए टू माइनस बी टू प्रिंट हो जाए। ओके कॉमा, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाए, ये डबल एटेड कोर्ट्स यहां पर नहीं लगेगा, अगर ऐसा ना हो तो अब यहां पे डबल डॉट कोट्स लगा लीजिए, अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट हो जाए स्पेस। तो यहां स्पेस एक बार आपको देना है और यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए ठीक से। अब यहां पे देखिए जहां पे रिजल्ट नेगेटिव है, अब इसको मैं डबल क्लिक ड्रैग कर देता हूं नीचे तक, तो जहां जहां नेगेटिव रिजल्ट आने हैं वो वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही प्रिंट होगी, नेगेटिव वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगी, ब्लैंक रह जाएगा। ये फॉर्मूला क्या अप्लाई किया मैंने, मैं फिर दिखा देता हूं आपको, यहां पे देखिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। और इस तरह का अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज प्रिंट होकर नहीं आएंगी। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहां पर 134 अगर मैं लिख देता हूं तो फिर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 134 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन 55। ओके, तो यहां पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव में है। यहां पे 155 कर देता हूं तो भी ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर 6 करूंगा, अब जैसे ये 6 है ना, यहां पे मैं अगर 16 कर देता हूं, देखिए यहां पे 116 कर देता हूं, तो अब देखिए ये क्या होगा, ये रिजल्ट प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि 66 माइनस 116, ये 116 इसमें से माइनस होगा तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, दैट्स व्हाई ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इसको अगर हम सम करते हैं तो यहां पे देखिए 189, आप देख सकते हैं इस चीज को। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।